नमस्कार, मी शेख आहे. माझं महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. नागरिकांनी मला पुन्हा सेवाची संधी द्यावे, अब्दुल रशीद यांचं प्रतिपादन. आता बातमीपत्र विस्ताराने. मनपा प्रशासन स्वच्छतेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत असून अपूर्ण केलेली कामे देखील पूर्ण करत नाही. पश्चात त्याचा परिणाम हा प्रभाग क्रमांक 12 मधील रहिवाशांना भोगावा लागतो, असे प्रतिपादन माजी नगरसेवक अब्दुल रशीद यांनी केले आहे. आमच्या स्टुडिओमध्ये ते बोलत होते. ते पुढे बोलताना म्हणाले की मतदारांनी मला पुन्हा सेवेची संधी द्यावी, मी त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. अब्दुल रशीद यांचा सामाजिक बाबतीतही विशेष सहभाग असतो. आम्हाला गुन्हेगार प्रवृत्तीचे नगरसेवक नको, तर अब्दुल रशीद यांसारखा सुशिक्षित नगरसेवक हवा, अशी मागणीही मतदारांकडून यावेळी होत होती. रशीद साहब आहे जो उमरकाले के सावे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, उनका भी इरादा है. आज आकर के देखे कि भाई ये यहाँ तो इतनी गरीब बस्ती है और यहाँ के आधे लोगों को घर कल हुआ, सबको एक सम्मान क्यों नहीं हुआ. और देखे कि भाई ये जो घरों में पानी है, आज इनके घरों में दो दिन से चूल्हा नहीं जला, तो ये खिचड़ी वाटअप किए हैं. और ये ऐसे कॉर्पोरेटर की हमें सख्त ज़रूरत है. रशीद भाई तो भी आके खाना मीना दे रहे कर रहे हैं, उन्होंने तो भी आके देखे करे. कोई तो काउंसिलर आए नहीं, देखे नहीं, कुछ नहीं, कोई लीडर आके देखे तक नहीं. यहाँ अब कैसा है इसका हाल करना. हम घर में पूरा गिर गया, अब कैसा उठाना. हम गरीब आदमी करके खाने वाले, अब कैसा बनना करना घर. वो बोल भला, मैं अकेली रहती यहाँ पे. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. आज महाराष्ट्र माजा के खास निमंत्रण पर, बुलावे पर मैं यहाँ पर आया हूँ. खास तौर से मैं वार्ड नंबर 12 के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जो पानी परसों घुसा था पूरा ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और अभी आने वाली बकरीद की ईद भी सामने है और अभी बारिश भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन महापालिका की गलती की वजह से और रनिंग नगर सेवकों की कुछ गलती की वजह से पानी जो घरों में घुसा, और कुछ लोगों का बोलना ये था कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर खड्डे में है इसके लिए पानी घुसा, ये बात गलत थी. पानी घुसने की वजूहत दूसरी ही थी, लेकिन आज भी महानगर पालिका की नज़र तवज्जो उसकी तरफ नहीं है. क्योंकि पानी जो घुसा तो कुछ लोगों ने रोड बनाई नगर सेवकों ने, जो भी गुत्तेदार ने, तो नाली नहीं बनाए. जहाँ नाली बनाए, जहाँ पे ड्रेनेज लाइन डाले वो लाइन नहीं मिला है, और जहाँ नाले आए वो नालियाँ साफ नहीं है, और अभी भी बारिश कुछ ख़त्म नहीं हुई. तो गणपति वादे को से एक दो गणपति हमारे तरफ से भी जाते हैं, लिहाजा और आने वाली बकरीद की हमारे कुर्बानी का ये है जिसे. लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में तो सफाई ही आधा ईमान है हमारा. सफाई तो हमको करना ही चाहिए, सफाई के ऊपर ही हमारा सब कुछ, हमारा मजहब तो सफाई के ऊपर ही है. अगर कहीं हमारे ऊपर अगर पेशाब का खतरा भी अगर हमारे आंख पे गिरता तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती. हमको तो हमारी सफाई बहुत सबसे ज्यादा चीज़ हमारी सफाई है. तो हमको सफाई का ख्याल आज 1400-1500 साल पहले ये बता दिया गया है कि सफाई ही सब कुछ है. लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट का या हमारे भाइयों का ध्यान जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए. और हमको दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होते हुए कुर्बानी करना चाहिए, और उनको जो सफाई का खास ख्याल है हमको रखना चाहिए. लेकिन मैं खास तौर से महानगर पालिका को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो नाले आज भी भरे वाले हैं, इतना लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन आज भी महानगर पालिका का ध्यान उसके ऊपर नहीं है. और जो नाले साफ करने चाहिए, जैसा पाकिस्तान नगर और हिलाल नगर में बड़े नाले है, और धबकपुर के ऊपर जो नाला है, जो दो पाइप है उसमें बड़े, उसके अंदर एक पाइप बंद है और एक पाइप चालू है. अगर दोनों पाइप साफ कर लिए जाए और उसके ऊपर का कचरा आज भी निकाल कर अगर ट्रैक्टर से निकाल दिया जाए, तो इंशाल्लाह आने वाले हमको कोई तकलीफ नहीं होगी. और हमें भी जो, मैं भी एक वार्ड नंबर 12 से इच्छुक उम्मीदवार हूँ, मैं भी दो बार रनिंग नगर सेवक रह चुका हूँ, और मैंने जो तरीके से काम किया, और मेरी इच्छा ये है कि आने वाले वक्त में भी मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा. और जैसा कि ये पानी गिरने के बाद मैं भी वार्ड में गया, वार्ड में जाने के बाद में मैंने अपने ये दिखावे के लिए या रियाकारी के लिए नहीं किया, अल्लाह बेहतर जानता है. मेरे से जो भी होता मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की, और इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई भी टाइम या कोई भी कुदरती आफत कोई भी आती है तो हम मदद करने की कोशिश करेंगे. वहाँ के पब्लिक की खुद इच्छा है, अभी तक जो हो गया हो गया, लेकिन अभी कम से कम साहब ने खास तौर से सर्वे कर अच्छे लोगों को, जो लोगों की छवि अच्छी है, जो क्रिमिनल लोग नहीं है, जिसका कोई भी क्राइम से किसके ऊपर, खुद के ऊपर भी केस नहीं, और कोई किससे का देना लेना नहीं, ज़्यादातर साहब छवि वालों को टिकट देना चाहिए. और मेरे भी हिसाब से यही है कि मेरे बारे में नहीं, आप साहब जिसको भी टिकट देंगे वो अच्छे लोग होना चाहिए, जिसका अवैध धंधों से कोई ताल्लुक ना हो, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए मेरे हिसाब से. और ख़ास तौर से हमारे माजी सीएम, हमारे लीडर अशोक राव चौहान से, और डीपी सावंत से, हमारे उत्तर के आमदार है ज़्यादातर उनका एरिया है, और अमर राजू कर से, इनसे मेरी विनंती है कि वो लोग अच्छे लोगों को देखकर टिकट देना चाहिए. आता वेळ झाली ब्रेकची, पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर. नमस्कार.